नमस्कार बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ खुशबू। अंग्रेजी में कहावत है, वन एप्पल्स अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, यानी रोज एक सेब खाने से डॉक्टर से दूरी बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सेब खाने से भी शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। यदि हम सेब का सेवन निर्धारित मात्रा में करेंगे तो इससे किसी तरह का नुकसान हमें झेलना नहीं पड़ता। जो लोग सेब खाने के बहुत शौकीन हैं, उन्हें ये बात मालूम होना जरूरी है कि अधिक सेब खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हर समय सेब खाने से बचना चाहिए, इसे एक निश्चित समय में खाना ही सही होता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार सेब खाने का सबसे सही समय सुबह का होता है। सुबह के समय एक सेब खाना चाहिए। सेब में पेक्टिन नामक आहार फाइबर होती है जो सेब के छिलकों में पाया जाता है। यदि आप पाचन की समस्या से परेशान हैं, तो सुबह उठने के बाद सेब का सेवन करें। सेब कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों का एक बहुत अच्छा स्रोत है। ये कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। शोध के अनुसार एक मध्यम आकार के सेब में 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 5 ग्राम फाइबर होती है। हालांकि यदि हम सेब का अत्यधिक सेवन करते हैं तो शरीर में फैट की मात्रा बढ़ जाती है। खाली पेट सेब खाने से शुगर की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। सेब में भारी मात्रा में फ्रुक्टोज पाया जाता है। ये एक प्रकार का शुगरी पदार्थ है और ये शरीर में जाकर एक सिरप बना लेता है। दिलचस्प बात यह है कि ग्लूकोज शरीर में जाकर रक्त में मिल जाता है, लेकिन फ्रुक्टोज नहीं मिल पाता और सिर्फ लीवर में ही रह जाता है। एक शोध में ऐसा पाया गया है कि सेब तब तक ही फायदेमंद होता है जब तक उसके बीज का सेवन ना किया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बीज के अंदर साइनाइड नामक पदार्थ पाया जाता है जो पाचन प्रक्रिया के दौरान शरीर में पहुंच जाता है। इसलिए सेब खाने से पहले इसके बीज निकाल कर ही उसका सेवन करें। सेब खाने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये हमारे दांत को नुकसान पहुंचाता है। एसिडिक होने के कारण सेब के सिरके को यदि पानी के बिना लिया जाए तो ये दांतों पर चढ़ी हुई परत को हटा देता है। ज्यादा सेब खाने से ऑस्टियोपोरोसिस की भी समस्या हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित लोगों को सेब के सिरके का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनका पोटेशियम का स्तर और ज्यादा गिर जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।